नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल रजनीश पाटिल में। दोस्तों आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ पेज नंबर 233 ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसमें एक पार्टनर आपका इंसॉल्वेंट होने वाला है तो उसके क्वेश्चन अपन आज देखेंगे, ठीक है। तो चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ पेज नंबर 233। आप लोग बुक निकाल कर रखेंगे, पेज नंबर 233 पाएंगे तो आपको सिंपल हो जाएगा। शुभांगी मनीषा एंड शीतल आर पार्टनर्स, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, इक्वल पार्टनर्स है, 1/3, 1/3, 1/3 तीनों प्रॉफिट शेयर करेंगे। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 वाज एज अंडर, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 आपको देख रखा है। कैपिटल अकाउंट शुभांगी और मनीषा का ये ओपनिंग बैलेंस चला जाएगा कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तीनों के बीच में इक्वल रेशो में। क्रेडिटर्स और रियलाइजेशन और बिल्स पेबल रिलेशन में ट्रांसफर हो जाएगा आपका। मशीनरी स्टॉक डेटर्स ये वाली वैल्यू रिलेशन में जाएंगी, ये आपकी लायबिलिटीज के साथ ट्रांसफर हो जाएंगी आरडीडी की वैल्यू। बिल्स पेबल भी रिलेशन में जाएगा आपका। कैश ओपनिंग बैलेंस में चला जाएगा आपका डेबिट ऑफ कैश अकाउंट, एंड शीतल ओपनिंग बैलेंस में चला जाएगा आपका डेबिट में। पहले हम लोग ओपनिंग बैलेंसेस ट्रांसफर कर देते हैं। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट 12,500। आपको फर्स्ट नंबर में रिलेशन अकाउंट बनाने का है, थर्ड नंबर में कैश एंड बैंक अकाउंट बनाने का है, सेकंड नंबर में बनाने का है आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। थोड़ा बड़ा बना, तीन कॉलम थे इसलिए उसको मैंने बाद में लिया है, ठीक है। यहां लेंगे बाय ओपनिंग बैलेंस। क्रेडिट में आएगा आपका किसका किसका, शुभांगी का 62,500 एंड मनीषा का 37,500। 62,500 एंड 37,500 और शीतल का ओपनिंग बैलेंस आपको डेबिट में देके रखा है जो कि आएगा आपका 12,500। चलो ये भी हो गया आपका। फिर ये रिजर्व फंड 22,500 को 3 से डिवाइड कर दो, आएगा 7,500 तीनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कैपिटल अकाउंट पे चला जाएगा क्रेडिट में। बाय रिजर्व फंड 7,500, वेरी नाइस। उसके बाद में हम लोग असेट को ट्रांसफर कर देंगे 2 sundry assets। कौन कौन से सेट्स आएंगे यहाँ पे आपकी, मशीन स्टॉक 37,500, डेटर्स 27,500 लेने का आपको ग्रॉस वैल्यू ट्रांसफर करनी पड़ती है, एंड बिल्स रिसीवेबल 22,500, वेरी नाइस। एडिशन कर देंगे अपने चारों की, कितनी आ रही है 22,500 + 27,500 + 37,500, दैट कम्स टू 150,000। आपका लायबिलिटीज ट्रांसफर कर देंगे अपन 100 लायबिलिटीज में। आपका क्या कहेगा, एक तो आएगा क्रेडिटर्स, एक आएगा आपका बिल्स पेबल और एक आरडीडी भी आपको ट्रांसफर करना है लायबिलिटीज में 2,500, 37,500, 12,500। इसके एडिशन कर देंगे हम लोग 52,500। ये भी स्टेप्स हो गया। अभी हम पोस्ट बैलेंस शीट जो एडजस्टमेंट है उसको इफेक्ट देंगे। ऑन द अबव डेट इट वाज डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, द एसेट रियलाइज्ड वेयर एज अंडर, असेट रियलाइज की तो कैश हमारे पास आएंगी, सो बाय कैश अकाउंट। कौन कौन से असेट रियलाइज की है भाई,
स्टॉक 31250, मशीनरी 37500, डेटर्स 21250 एंड बिल्स रिसीवेबल आएगा आपका 18000। सो आउटर में कितना जाएगा, 18000 प्लस 21250 प्लस 37500 प्लस 31250, आउटर में चला जाएगा आपका 108000। बाय कैश में, कैश अकाउंट के डेबिट में टू रियलाइजेशन 108000। सेकंड एडजस्टमेंट, क्रेडिटर्स वेयर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 2% बिल्स पेबल वेयर पेड इन फुल, रिलेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹6250। इसका मतलब कैश जाएंगी टू कैश अकाउंट। क्रेडिटर्स का कितना पे करने वाले हैं दोस्तों, अपन देखो क्रेडिटर्स का था आपका 37500, ठीक है ना। तो ये देखो क्रेडिटर्स का था आपका 37500, इसका 2% निकालेंगे अपन, इसका 2% निकालेंगे डिस्काउंट, माइनस कर देंगे डिस्काउंट अपन, ये 37500 का 2% है, 2/100 कर देंगे, 37500 इंटू 2/100 तो आएगा 750। तो 750 माइनस कर देंगे 37500 में से, तो कितना पे करेंगे अपन उनका, 36750। ये दिखा दिया मैंने यहाँ पे 36750। बिल्स पेबल तो पूरा पे करने का है, बिल्स पेबल 12500 और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी पे करने हैं आपको, कितना 6250 प्लस 12500 55500 टू कैश मीन्स कैश के क्रेडिट में, बाय रियलाइजेशन अकाउंट 55500 हो जाएगा दोस्तों। ये भी हो गया। शीतलवास डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड 50 पैसे इन रुपी कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हर प्राइवेट एस्टेट। इसका मतलब है शीतल इंसॉल्वेंट हो गई है तो उसके कॉलम के ऊपर निशान लगा दी मैंने, और जितना उससे लेने का है उसमें से सिर्फ 50% ही वो अपने को देने वाली है। तो देखते कैसे करना है इसे। तो पहले हम लोग प्रॉफिट या लॉस निकाल लेंगे रियलाइजेशन का। चलो यह आएगा 205500 और 52500 प्लस 108000, यह आएगा आपका 160500। डेबिट साइड बड़ी है, इसका मतलब रियलाइजेशन में लॉस होने वाला है अपने को 205500 भी है उसमें, 205500 है, 205500। तो यहाँ आएगा जी आपका 45000 रुपीस। कैसे निकला, 205500 माइनस 160500, तो ये चला जाएगा आपका बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। और किसके किसके कैपिटल में जाएगा, वो शुभांगी के, मनीषा के और शीतल के। और डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा जैसे 45000 into 1/3 जी। तो 15000 उनके कैपिटल के डेबिट में चला जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, 15000 15000 15000।
बहुत ही बढ़िया दोस्तों, और बहुत ही सिंपल है। अभी हम लोग को क्या करना है, अभी हम लोग को ट्रीटमेंट देने का है आपका, ये शीतल का जो इंसॉल्वेंसी हुआ है उसका। तो पहले तो आप लोग मुझे बताओ, शीतल का जो डेबिट का बैलेंस है वो अपन देखेंगे। शीतल का जो डेबिट का बैलेंस वो अपन देखेंगे। ये शीतल का यहाँ पे 12,500 ओपनिंग बैलेंस था, तो डेबिट की टोटल कर दो। शीतल की 12,500 प्लस 15,000, 12,500 प्लस 15,000, तो ये हो गया आपकी उसके डेबिट की टोटल 27,500। शीतल इंसॉल्वेंट हो गई है, उसका अपन कैलकुलेशन कर रहे हैं। क्रेडिट की टोटल है 7,500। तो आप लोग मुझे बताओ, डेबिट 27,500 में से अगर क्रेडिट 7,500 माइनस कर दिया तो ये डेफिशिएंसी मिल रही है अपने को शीतल के अकाउंट की, यानी डेबिट की टोटल कितनी आ रही है दोस्तों। यहाँ पे देखो आप, 27,500, क्रेडिट क्या आ रही, 7,500। तो 27,500 में से 7,500 माइनस किया, 20,000 मिल रहा। तो अभी यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है कि उससे 20,000 रुपये अपने को लेने का है, क्योंकि डेबिट बैलेंस है उसका। तो ये 20,000 में से सिर्फ 50% वो देने वाले अपने को, 50%। ये 20,000 में से कितना देने वाली, सिर्फ वो 50%। इसका मतलब है 10,000 रुपया वो कैश देने वाले अपने को। क्लियर? यानी कितने कैश मिलेंगे अपने को, ये यहाँ अलग से दिखा देता हूँ मैं आपको। यानी कैश रिसीव्ड फ्रॉम हर, कैश रिसीव्ड कितने हो जाएंगी, 20,000 रुपया उसकी डिफिशियंसी, उसका 50% कैश मिलेंगी। यानी हमें कैश कितनी मिलने वाली है, 10,000 रुपया। तो यहाँ लेंगे अपन बाय कैश अकाउंट 10,000 रुपया, और कैश के चला जाएगा डेबिट में टू शीतल कैपिटल अकाउंट 10,000। अभी इसमें से कैश रिसीव कर देंगे माइनस अपन, यानी उसके पास से हमें कितना लेना था, 20,000, उसमें से उसने 10,000 कैश दे दी, तो ये 10,000 उसकी हो गई डेफिशिएंसी। अभी वो ये 10,000 रुपये नहीं देने वाली, इंसॉल्वेंट हो गई। तो ये जो डेफिशिएंसी है, ये बचे हुए जो पार्टनर्स है, बचे हुए पार्टनर्स कौन है आपके, शुभांगी और मनीषा के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो ओल्ड रेशियो क्या था जी इनका, शुभांगी का, मनीषा का और शीतल का था 1/3, 1/3, 1/3। ये तो हो गई इंसॉल्वेंट। तो अभी इनका न्यू रेशियो कैसे, वन एज इट इज ले लो, वन एज इट इज ले लो। ये तो इंसॉल्वेंट हो गई, तो 1+1 2, 1/2, 1/2, ये हो गया आपका न्यू रेशियो। तो ये जो डिफिशियंसी है 10,000 की, ये 1/2, 1/2 में शुभांगी और शीतल डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे आपस में। 10,000 इंटू 1/2, 10,000 इंटू 1/2, यानी 5,000 रुपीज डिफिशियंसी का ट्रांसफर कर देंगे अपन शुभांगी के कैपिटल अकाउंट में और 5,000 मनीषा के कैपिटल अकाउंट में। तो ये दोनों सॉल्वेंट पार्टनर्स है, तो एंट्री क्या हो जाएंगी आपकी, शुभांगी कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 5,000, मनीषा कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 5,000 टू शीतल कैपिटल अकाउंट 10,000। टू मतलब इसे क्रेडिट में आ जाएगा ये आपका बाय बाय शुभांगी कैपिटल 5,000, बाय मनीषा कैपिटल 5,000। इसको क्लोज कर दो अभी दोस्तों। 27,500 डेबिट की टोटल, 27,500 क्रेडिट की टोटल। अभी हम लोग क्लोज करेंगे शुभांगी का कैपिटल 62,500 प्लस 7,500, 70,000। अरे 5,000, 5,000 की एंट्री दिखा दो यहाँ डेबिट में। टू शीतल कैपिटल 5,000 शुभांगी के कॉलम में, 5,000 मनीषा के कॉलम में, यहाँ डैश, यहाँ ले लो 70,000,
70,000 में से आपका 20,000 गया, बचेगा 50,000 टू कैश, इसको बोलेंगे बैलेंसिंग फिगर। और अभी हम लोग क्लोज कर देंगे आपका 3,500 प्लस 7,500, 45,000, 45,000 माइनस 5,000 माइनस 15,000, दैट कम्स टू 25,000 रुपीज टू कैश में, इस कैश के क्रेडिट में चला जाएगा आपका बाय शुभांगी कैपिटल 50,000, बाय मनीषा कैपिटल 25,000, और आखिरी में हम लोग इसे क्लोज कर देंगे और टैली होना चाहिए 25,000 प्लस 50,000 प्लस 55,500, 1,30,500 कैश जाएंगी। और कैश कितनी आएंगी अपने पास, 1,30,500। आपका सक्सेसफुली क्वेश्चन सॉल्व हो गया और टैली हो गया दोस्तों। 2 से 3 बार वीडियो को देख के आप लोग सॉल्व करके देखोगे, आईएमपी क्वेश्चन है। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।